रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कपास से है। बता दें खरीफ सीजन में कपास प्रमुख फसल थी, लेकिन गुलाबी सूंडी के कारण न केवल कपास का क्षेत्र बल्कि इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। पिछले साल प्राकृतिक की मार और कीटों के प्रकोप के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कपास की रिकॉर्ड कीमत होने के बावजूद विश्व बाजार में निर्यात में कमी देखी गई। निर्यातकों द्वारा सबसे ज़्यादा खानदेश क्षेत्र का कपास पसंद किया जाता है और खानदेश में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, लेकिन इस साल कीटों के प्रकोप से कपास के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिसका असर निर्यात पर हुआ है। इस साल पहली बार मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास का निर्यात किया गया, वहीं खानदेश के कपास निर्यात में 80% की गिरावट आई है। कपास पर सबसे बड़ा संकट गुलाबी सूंडी के बढ़ते प्रकोप से है, जिससे मराठवाड़ा में कपास का रकबा कम हो गया है। साथ ही कपास की भी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वैसे अकेले में जलगांव जिले में 8,50,000 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। हालांकि बॉलवर्म के प्रकोप से कपास उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बॉलवर्म के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए शासन स्तर पर प्रेस किए जा रहे हैं और 1 जून के बाद कपास की खेती के लिए सीमा तय की गई है, ताकि किसान एकत्रित प्रबंधक कर सके और कीटों के प्रकोप कम हो सके। वहीं अनिश्चित प्राकृतिक और अत्यधिक बारिश के कारण कपास के उत्पादन में गिरावट आई है। साथ ही अंतिम चरण में गुलाबी सूंडी अन्य कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों ने न केवल उत्पादन को कम किया है, बल्कि कपास की गुणवत्ता भी इससे खराब हो गई है। इसी की वजह से खराब क्वालिटी के कारण निर्यातकों ने केवल खरीदारी बंद कर दी है, बल्कि स्थानीय बाजार में अंत तक कम अच्छी क्वालिटी के कपास की मांग भी नहीं रही थी, इसलिए उच्च कीमतों से किसानों को सीधे लाभ नहीं हुआ है। इस साल कपास का रिकॉर्ड दाम देखकर कृषि विभाग का कहना है कि आने वाले खरीफ के मौसम में किसान एक बार फिर से कपास की खेती की ओर रुख करेंगे, खासकर के मराठवाड़ा में जहां पिछले 5 साल से इसके उत्पादन में कमी रही है। वहीं इसी तरीके से कृषि विभाग अभी से कार्य रुख अपना रहा है और किसानों से अपील कर रहा है कि हमारे मार्गदर्शन पर ही खेती करें। वहीं कीटों का प्रभाव कम करने के लिए ही कृषि विभाग 1 जून के पास का ही बीज किसानों को बेचेंगे, ताकि किसान समय से पहले इसकी खेती ना करें, जिससे कीटों का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। तो ये थी बात कपास की। तो बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।